अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, खैर से होंगे, अफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं HFZ ब्लॉग। तो आज हमारे शहर से महमूद कोट अड्डे से मेहमान आए हुए हैं, बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, तो जितना भी इनकी तारीफ़ कीजिए बहुत ही कम है। तो इनकी तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये महमूद कोट जो ना अड्डे में रहते हैं और हांस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो मिलने आए हैं, इनकी मोहब्बत है कि वो सफ़र करके आए हैं हमारे यहाँ। तो अल्लाह ताला इनका सफ़र और इनका आना अपनी बारगाह का बोलो मंजूर फरमाए। तो आओ इनसे मिलते हैं, गपशप लगाते हैं इनसे। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अपना तरफ कर रहे सोचा छोड़ो मजीद से मैं अज़हर हुसैन आस अड्डा महमूद कोट से माशाल्लाह ज़ीशान भाई को मिलने हैं, घर बरदरी के साथ ड्यूटी पढ़ाते हैं नमाज वगैरह। तो माशाल्लाह भाई सब खुशी जानना ये जो ना मिलने आया हमें, तो क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी उर्दू कम आता है तो सरेकी ज़्यादा आता है। जैसे पानी ज़्यादा आता है तो बारिश ज़्यादा आता है, पानी ज़्यादा आता है बारिश कम आता है तो पानी कम आता है। तो ऐसे ही जब हम उर्दू बोलते हैं तो कभी कभी हमारे काम पे जो है टांगने लग जाती है, तो इसलिए तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मजाया टाइप के हैं ये, आप इनकी गुफ्तगू सुनोगे तो आपका दिल चाहेगा कि बार बार इनसे मुलाकात हो। जी हाँ जी माशाल्लाह। तो क्या ही बात, इनके साथ इनके भांजे भी आए हुए हैं माशाल्लाह, ये बहुत सफर कर गए, ये भी अपना तरफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा और ये मेरे मामू हैं, इनके दोस्त ज़ीशान, हम इनसे मिलने आए हैं अड्डा महमूद कोट से माशाल्लाह। तो इनका जो ना ये इनकी ज़्यादातर रिहाइश वगैरह कराची में है, बहरे टाउन में रहते हैं, तो ये भी इनके साथ जो है ना मोहब्बत बांटने के लिए हमारे पास आए हैं। तो इनसे भी गपशप लगाते हैं, इनसे भी पहले इनसे लगा। सफ़र कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। रोड कैसे थे हमारे? माशाल्लाह रोड का तो पूछो ना, रोड को अच्छा। तो आते हुए कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? अच्छा सफर रहा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो माशाल्लाह भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो क्योंकि मौसम भी ऐसा मौसम बना हुआ है कि क्या ही बात है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो फिर कुछ हमें अपने बारे में बता दें कि आपने तालीम वगैरह कहाँ हासिल की थी, आपने मज़ाया कहाँ से सीखे हैं, ये जो बातें करते हैं बार बार इतना मज़ाया कि हम हंस हंस के पेड़ को पकड़ने लग जाते हैं और कभी कभी भूख भी लग जाती है जब ये हंसाते हैं। यार ये सारा कुछ पेट करवेंदे, ताकि अपने बंदे का अपना फन नहीं होता, आम पकावना है अभी क्या करना है। आम खा रहे हैं यहाँ पर, तो अभी आम आए नहीं है क्योंकि आम वालों ने जो है ना हमारे साथ प्रैंक किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मेहमान को बुलवाओ, आम मिल जाएंगे। जब मेहमान आ गए तो अब आम नहीं मिल रहे, वो कहते हैं वो तो हैं ही आम, तो मिलेंगे कैसे, क्योंकि ये ख़ास बंदे हैं ना, आम बंदे ख़ास नहीं मिलते। तो क्या आपका क्या ख्याल है? तो हम भी आपको खाली नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ आपको खिला कर भेजेंगे। तो आप क्या, अगर आम के अलावा कुछ और चीज़ खास मिल जाए तो क्या करेंगे आप? आपकी सर दुआ ही बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। तो फिर मज़ीद गपशप लगाती हैं, तो जब ही आम हमारे सामने आएंगे तब हम आपके सामने आएंगे। मतलब थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जो ना गर्मी भी बनी हुई है, तो कह रहे हैं कि सरेकी को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, तो सरेकी में जो है इनसे बात करते हैं। मुझे भी सरेकी आती है क्योंकि मेरी मादरी ज़ुबान सरेकी है, उर्दू तो बस वैसे ही इसको पकड़ा हुआ है, तो ये भी ठीक है। तो इनसे सरेकी में गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, गर्मी का सुनो, गर्मी की नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा लगा। अच्छा मैं जड़ी शायद सुनी में ना गर्मी की वजह नाल दसैनन के जै बिजली को बनाया है ना, उन्हें उन्दे जल फौत थी आई दुनिया तो रुखसत थी आ, तो उन याद के अंदर एक मिनट पूरी दुनिया च बिजली बंद की थी गई। तो इन वजह नाल क्योंकि सारा इलाका जरा है बहुत ही मशहूर है जन्ना प्यार मुहब्बत का अकीदा का, तो इन वास्ते इतना ज़्यादा बिजली बंद की जाती है। इतना 23-24 घंटे के बीचों कम अज़ कम ज़्यादा ही ना तो बिजली जी है वह 22 घंटे बंद रह जाती है, क्योंकि इतना सारे को जन्ना मुहब्बत अकीदत बहुत ही ज़्यादा।
अच्छा जी भाई जान माशाल्लाह अंबलिया ने थारे सामने आ गए जेते बैठे हो सो जी जी भांदी पियो सन थको ओए सिरो अल्लाह दा बंदा कंट्रोल नहीं थिना पिया अगर इथे अंबले पै रहा मैं तो क्या ही मजा है उन थारे रिएक्शन के खावा तो पहले गाल होंदी तो तुसन सडो तस्वीर च भेजो न सडो आई दे जे मंडा ए अगर जिमे हुन आए पन सामने खावण को पहले पहले हुन क्या दिल दे अंदर जोश पैदा थिना बैठे भला बस दिल यो आते तुसा आप कैमरा बंद करके सको अंबलिया कट लो खाऊं अगर थोड़ी जी ज्यादा देर इन को पहले तुसा थोड़ी जी सिकंजी गिन गिनो ताकि थोड़ा जिया सिकंजी दे नाल माशाल्लाह भी सिकंजी पिने पर माशाल्लाह भाई अपना तारुफ कर वैसा भी तुसा स्कूल दे अंदर केड़ी सारी तालीम हासिल करन पवे कितनी क्लास है जीवे मैं 9th क्लास से पढ़दा पियो ज्ञान थोड़ा जे ऊंची आवाज 9th क्लास से पढ़दा पियन जहान खान हाई स्कूल साइंस रखी पे क्या ही बात है माशाल्लाह जहान खान स्कूल दे अंदर मैं भी माशाल्लाह 5 था मुकम्मल करते आया तो सोच गिनो 5 पढ़ाई दा YouTube पे आयो सोच गिनो सर ते हर अगते तो देख सो भी जे माशाल्लाह ते अल्लाह ताला सारे स्कूल दे अंदर जना दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमावे बहुत ही प्यार मोहब्बत अल्लाह साजाई कराम है अल्लाह ताला उन दी मेहनत को कबूल मंजूर फरमावे बहरहाल अस इन को सवाल पुछदे पे भी ए हांस बरादर दे नाल ताल्लुक रख दन 40 हांस 40 हांस कितनी हांस थी ना जी 40 हांस 40 हांस कितनी हांस थी ना 80 हांस ही समझिया 80 हांस जी जी माशाल्लाह बे खुद दसे ने बड़े 80 हांस तो उन्हें अपने कौम के बारे भी सारी गिनती के अंदर जमा करते हैं भी 40 हांस 40 हांस 80 हांस थी तो माशा उन्हें गिनती माशा उन्हें अच्छी है क्या ही बात है तो हूँ अंब सामने आ पढ़ू हाँ सकू वाले कट चढ़े ना असा हासे काबिल अपने दौरे च क्या बात अपने दौर के अंदर माशाल्लाह बहुत काबिल को एक काबिलियत जी थोड़ी वो टाइम जहर थी है वो दसा ये बस असा दावी च पास थे गए हैं बगैर वन पढ़ने दे ये सोच गिनो सिंध हरवी सारे तो केड़े स्कूल दे अंदर तालीम हासिल की थी हाई स्कूल खोवाड़ा स्टेशन महमूद कोट से क्या ही बात है माशाल्लाह उठा भी बड़ी अच्छी पढ़ाई थी जी जी बिल्कुल बिल्कुल साडो साधन उस्ताद मास्टर नवाब से माशाल्लाह मैट्रिक दे से दामत बरकात हम आलिया जी जी बिल्कुल क्या ही बात है माशाल्लाह अल्लाह ताला उन दी उम्र दे अंदर बरकत अता फरमाए बहरहाल तुसा उन इथा आवे तो क्या महसूस थिना पे थात है सर इथा के बहुत अच्छा महसूस थिना पे ठंडा इलाका है माशाल्लाह गर्मी दे ई मौसम दे च बहुत दरख्त तले बैठे हैं ठंडी ठंडी हवा है तो सा कोई मजाया गाल सुनवा दे वो ताकि देखने वाले थोड़े जेड़े व्यूअर हैं थोड़े दोस्त हैं थोड़े बहुत ही करीबी हैं देखते बड़ा थको जन्ना पीछे फॉलो करें सब बार बार थको थोड़ी वीडियो के अंदर इन वीडियो के अंदर घेनते हूँ कि मजाया सा को सुनवा छोड़ो कैसे ना कैसे मजाया क्या सुनाओ लाला पहली जमा रहे सा को आ के इतना पानी दा बुढ़ा बुढ़ा के होने सा को आदन मजाया सुनाओ एडू चार दफा सुनता मजाया को गोलिया सो कोई एक दफा दो ये सारे कड्डे चा लल्ला सुथणी भरी वदे अच्छा मैं करे से पता लग सी सारे को जेड़ा भी मेहमान आंदे जितना भी खा पी ते मैंने घर तो वने तो पहले पहले हजम थी मैंने हर चाहे हजम थी मैंने ई वास्ते सब रोड काम करना तो सब तो मोल घन के खवा जा हजम करा बनाई आवे अच्छा जेड़ी थी अगर हजम ना थी वे तो वाल भी तो बंदे दे पेट दे अंदर कैसे ना कैसे फस वेंदी है ओ वाला नुकसान बण मैंने वो फस वेना तो ऑफिस है अपनी पहले बुजुर्ग ने वो करे था ना साहब अल्फाज अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह भी सारे इमाम साहब हैं बोल खा के इमामत वगैरह करें जनाब खालिद हमदानी साहब जनाब फैसल साहब साहब उन्हें यहाँ इमाम मस्जिद ने अपना तारुफ करवा छोड़े सो मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रशीद है इलाका सड़ लसुड़ी खरे माशाल्लाह करी शान साहब सारे बहुत गहरे दोस्त हैं इन्हें नाल सारे ताल्लुक है ये मेहमान सारे कने पहुंचन इन्हें वास्ते अंब के पैसे माशाल्लाह खुश थी के आने पर सब दुआ रही सा तुसा भी अपना तरफ करो माशाल्लाह सारे मेहमान महमूद कोट शहर तो आए हुए हैं और ए भी मेहमान महमूद कोट शहर तो आए हैं सारे थोड़ा थोड़ा अपना तरफ करवा छोड़ो साजिद भी मोहम्मद साजिद हुसैन पवार मन्ना अड्डा महमूद कोट तो नाल बट माशाल्लाह भाई जान मेरा नाम मसद है और हम भी महमूद कोट से हैं माशाल्लाह मेरा नाम उस्मान है और मैं भी महमूद कोट से आया ये था तो कि मैं माशाल्लाह महसूस थी जगह वगैरह सारा इधर इलाका वगैरह की में गर्मी माशाल्लाह भी थोड़ी थोड़ी गर्मी तो है ऐसा ही मनाते हैं ज़्यादा कह नहीं माशाल्लाह से नसाओ से अंबे दे बारे कोई
टांग शांग तो नहीं करना पाए नो 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 खा गंगा दस ने क्या ही बात है मच्छी दे गंडे खाने बैठा हम बसार जे जेरे मोल की ध्यान दे देखा भी है मेरा बाग दा ताजा पिक्का होंदा देखा भी है इन्हां दी मेहरबानी है सा को सज्जन क्या ही बात चावल ਉਹਨੋ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚਾਹੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਉਹ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਰਿੱਠੀ ਵੜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਾਢਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਰੇ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ माशाल्लाह भाई भाई होने दी जेरी ख्वाहिश है पूरी थी गई माशाल्लाह हुन दसावा सारे वीवरन को भी दसाओ तुसा ते माशाल्लाह के ललाई तमो खुशी थई है हर बंदा आवे इने गनो अंब खावे एक ता फ्री अंब खमन दूजा अंब चंगा ताजे पटवान अल्लाह पाक इने दे माल रिज़क च बरकत पावे आमीन आमीन बाकी सारे दोस्तों को सलाम थे गया ब्लॉग वाला की डाटी इंशाल्लाह मुलाकात थी दी रासी लला हल्की डाटी ज्यादा मोने सारे चक्कर ना ने सेशन थे अद्दी तो दादी तो पीती है ने आते ही होंदे ना लला सारी जो तो कुछ आ नो वल फायदा चल ना साथ में सो अच्छा फजर ब्लॉग ई चैनल को यारो बटन दे जोर दबा दी वे तरीके नाल दबाए के ओ ना डिलीट थी आवे बोली चंगा है माशाल्लाह भाई असं अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करने के लिए सब अपना कीमती वक्त दिते सारे महमूद कौर सारे महमूद सारे महमूद कौर की मशहूर हस्ती हैं अजहर खान साहब इन्होंने कमाल मेहरबानी कमाल मोहब्बत इन्होंने सबको वक्त दिते सारे को तशरीफ गिनन असा कोई कमो बेशी थी होती तो वो माजरत करे सो बाकी व्यूअरों को सारे तरफों भरपूर उठी जल्दी कर माशाल्लाह सब हूँ कमर के अंदर सामने के इतना जन्ना जो थोड़े जो भाई होने सफर करते हैं सारे को मिलने वास्ते हैं इन्हें तो यहाँ और इतना जरा थोड़े जो छोटे प्रोग्राम करने बारे सारे बाय बाय मोली माशाल्लाह भाई मेहमान ने इतना आते बड़ा अपना कीमती टाइम देते हैं सर का शुक्र अदा करने अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा खैर अता फरमाया दुमर अंदर बरकत अता फरमाया खाना पीना मेरे बारे क्या